हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ तीन बहुत अच्छी मिठाई जो शुगर फ्री हैं एक्चुअली, और मैं बना किस खुशी में रही हूँ क्योंकि सावन शुरू होने वाला है और आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि सावन में पूरे 30 दिन मैं फास्ट रखती हूँ, शाम को सिर्फ एक टाइम मैं उसमें खाना खाती हूँ। इस बार थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है मेरे लिए क्योंकि मैं ऑफ़ शुगर हूँ और लाइक 2-3 बजे के बाद मैं सॉल्ट इनटेक भी नहीं लेती हूँ। शाम को सिर्फ एक टाइम खाना खाना है लेकिन उसमें मैं सॉल्ट नहीं ले सकती, तो भोलेनाथ ही मेरे मालिक हैं इस बार कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या होगा, लेट्स सी, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन क्योंकि शुगर नहीं खा सकती हूँ पर एक दो मिठाई चाहिए होती है कि आप दूध के साथ ले लें, तो इसीलिए मैंने कुछ मिठाइयों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत इजी हैं बनानी और जो शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो भी ले सकते हैं। सिर्फ एक जो उसमें से मिठाई जिसमें मैंने हनी यूज़ किया है वो शुगर के पेशेंट नहीं ले सकते हैं क्योंकि हनी जो है वो भी आपके शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है, लेकिन जिनमें मैंने डेट्स यूज़ किया है वो शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट ले सकते हैं। बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि कुछ भी ट्राई करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। मैंने अपनी पूरी रिसर्च की है, उसमें मुझे यही पता है कि जो शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो हनी नहीं खा सकते हैं, शुगर नहीं खा सकते हैं, लेकिन डेट्स वो खा सकते हैं। बट अगेन, मैं किसी को नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आप मेरी बातों पर जाएं, आप जाकर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर वो आपको यस बोले तो आप फिर ये वाली रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। बाकी जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है और शुगर इनटेक कम करना चाहते हैं वो ये वाली मिठाई बनाएं और इन्जॉय करें। कहीं से कहीं तक आप टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, दे आर इक्वली टेस्टेड जस्ट लाइक शुगर वॉन्स। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मिठाई है हमारी खजूर मावा रोल, जो बनाना बहुत ईजी है। इसको बनाने के लिए पहले पैन लिया है मैंने और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच घी। जैसे ही घी हमारा मेल्ट होगा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मिल्क, और यहाँ पर मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, और 1 कप मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। बेसिकली यहाँ पर हम खोया तैयार कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप इंस्टेंट खोया बना के तैयार कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा दूध को काढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, अदरवाइज़ मावा बनाना इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और लगातार आपको चलाना पड़ता है। बट मिल्क पाउडर से आप इजीली 5 मिनट में बहुत अच्छा मावा बना सकते हैं। हीट आपको बिल्कुल सिम रखनी है और इसको लगातार चलाते रहना है। 4 से 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल थिक होना शुरू हो जाएगा, साइड से स्क्रेप करते रहें आप इसको, और जब ये थोड़ा सा लिक्विडी रह जाए उस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर 1/4 कप इसके अंदर बादाम का पाउडर ऐड किया है। बादाम के अंदर अपनी एक मिठास होती है, आप चाहें तो काजू का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो सिर्फ इतने से भी अगर आप पेड़े बना लेंगे तो वो भी आपको मीठे लगेंगे और आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो आप काजू और बादाम का पाउडर इसके अंदर बिल्कुल ना ऐड करें, सिर्फ इसको खोया ही रहने दें। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ी सी मिठास चाहिए थी और टेस्टी भी ज़्यादा लगता है ये, तो इसीलिए मैंने बादाम का पाउडर यहाँ पर यूज़ किया है। तो उससे ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा रहेगा, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा, बट इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो जैसे भी ये बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कप खजूर और मैंने इनके सीड्स निकाल लिए थे, और ये बहुत ही सॉफ्ट से खजूर हैं, इनको बिल्कुल फाइनली मैं यहाँ पर चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो मिक्सी में 2-3 पल्स इनको लगवा सकते हैं, लेकिन फिर ब्लेड के ऊपर चिपक जाता है, फिर सफाई का काम बहुत बढ़ जाता है, तो मुझे ऐसे ज़्यादा बेटर लगता है। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट वाले हैं तो इतनी ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं, बहुत ईजिली ये चॉप हो गए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है, काइंडली मैश ही हो गए हैं। इसके बाद अब हम बनाना शुरू करते हैं मिक्सचर जो रोल्स के अंदर जाएगा। तो खजूर हो गए हैं हमारे यहाँ पर चॉप, और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा जिसको बोला जाता है, ड्राई कोकोनट होता है ये, और आपको ईजिली हर ग्रोसरी स्टोर पर ये मिल जाएगा। इसके बाद आपको अच्छे से इसको नीड करना है ताकि दोनों चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाएं।
इसके बाद हाथों से आपको इसको रोल करके इसका लंबा सा एक ब्लॉक बना के तैयार करना है जो हम रोल बनाएंगे। तो मैंने पहले हाथ से इसको कर लिया और फिर स्मूथ करने के लिए मैंने इसको काउंटर टॉप पे रख के इस तरह से इसको रोल कर लिया है। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ सा हमारा यहाँ पर खजूर का एक रोल बन के तैयार हो गया है। तो एक स्टेप हमारा यहाँ पे डन हो गया है। तब तक जो हमने मावा बनाया था बादाम का पाउडर डाल के, वो भी रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो मिक्सचर मैंने बटर पेपर के ऊपर निकाल लिया है। मेक श्योर कि बटर पेपर यूज़ करें आप, या फिर आप कोई प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है आप वो यूज़ करें, लेकिन बटर पेपर जो है वो ईज़िली अवेलेबल होता है तो रखना चाहिए घर में, इस तरह से काम आ जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको रोल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर बादाम मैंने डाला हुआ है, तो अगर बहुत बारीक कर देंगे तो फिर वो रोल होने में दिक्कत करेगा। लेकिन अगेन वही, अगर आपको बिल्कुल स्मूथ चाहिए तो बादाम का पाउडर आप इसके अंदर यूज़ ना करें, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी थोड़ी बहुत मिठास होती है तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन यह है कि खुशबू और टेक्सचर, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने इसको एनहेंस करने के लिए इसका फ्लेवर बादाम का पाउडर डाला है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको रोल कर लिया इस तरीके से। इसके बाद जो हमने लॉग बनाया था खजूर का वो मैंने रख दिया है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो वो मैंने साइड से काट लिया है। इसके बाद हमें इसको रोल करना है, और आप इस क्लिप को थोड़ा सा बार बार देखें कि मैं किस तरह से रोल कर रही हूँ। रोल करती जा रही हूँ और बटर पेपर ऊपर से थोड़ा सा हटाती जा रही हूँ। तो इस तरह से ये रोल बना लिया है, और देखिए थोड़ा सा ये बिखर रहा है, वो सिर्फ बादाम के पाउडर की वजह से। इसके बाद आप इसको दूसरी तरफ को टाइटली रोल कर लें और इसके किनारे सील करके आप इसको फ्रिज में रख दें आधे पौने घंटे के लिए, या फिर फ्रीज़र में रख दें 10 मिनट के लिए। तो मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था, इसके बाद मैंने इसको निकाला है। तो जो मावा हमारा था वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, इससे हमारे जो रोल्स हैं वो कटने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसमें से निकल रहा है। इसके बाद जितने मोटे आपको रखने हैं उस हिसाब से आप इसको काट लें। तो मैंने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखे हैं, बहुत ज़्यादा पतले नहीं रखे हैं, नॉर्मल के। हाँ, एक बार में चाय के कप के साथ या एक गिलास दूध के साथ मैं ये खा लूँ अपने फास्ट में तो सही रहेगा। तो बस मैंने इतना ही काटा है, और केयरफुली काटे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बिखरने के चांसेस हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे मावा खजूर रोल बिना किसी चीनी के बन के तैयार हो जाते हैं, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये सच में बहुत अच्छी रेसिपी। आप कहीं से कहीं तक फील नहीं करेंगे कि इसके अंदर शुगर नहीं है या ये कम मीठा है। जो खजूर का जो टेस्ट है, और मैंने इसके अंदर कोई ऐसा फ्लेवर एनहेंसर लाइक मैंने इलायची पाउडर इसके अंदर नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। तो जो चीज़ें हैं उनका अपना ही टेस्ट है, और ये है सारे के सारे क्रम्स जो बचे हैं। तो मैं जो बनाती हूँ, जैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ परफेक्ट ही चीज़ें दिखाऊंगी, अगर कुछ उसमें से निकला है तो वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे खजूर मावा रोल, ओ माय गॉड, दे आर सीरियसली सो टेस्टी, और आप बिना किसी गिल्ट के इनको खा सकते हैं। ट्राई करके इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स मेरे साथ जरूर शेयर करना, या फिर मुझे टैग करना। दूसरी मिठाई है हमारी खजूर की बर्फ़ी, इसको भी बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिए हैं खजूर, ये डीसीडेड है, इनके सीड्स निकाल लिए थे, और 1/2 कप मैंने इसमें गरम पानी डाल दिया है, इससे जो खजूर हैं वो अच्छे से मॉइस्ट हो जाएंगे। लास्ट ईयर सावन के टाइम पर मैंने लड्डू शेयर किए थे इसी तरह से शुगर फ्री खजूर के, तो कुछ कॉमेंट्स आए थे कि जो खजूर है वो थोड़ा टाइट सा रहता है तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो ये सोल्यूशन उस चीज़ का है। तो आप इसको इस तरह से सोक करके रख दें 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से मशी हो गए हैं गर्म पानी की वजह से। इसके बाद आपको क्या करना है, मिक्सर जार में डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो पेस्ट मैंने देखिए यहाँ पे बना लिया है, फिर मैंने पैन लिया है और उसके अंदर अब आपको इस पेस्ट को ऐड कर देना है।
अब इसको लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए हमें इसको अच्छे से पकाना है ताकि जितना पानी हमने इसके अंदर ऐड किया है वो सारा इवेपोरेट हो जाए, अदरवाइज़ फिर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जो मैंने लास्ट ईयर लड्डू आपको दिखाए थे वो लड्डू, क्योंकि उनमें कोई पानी नहीं है, वो आराम से एक डेढ़ महीने तक ऐसे ही चल जाते हैं, लेकिन अगर इसमें आप इसी तरह से चीज़ें मिला देंगे तो वो ज़्यादा नहीं चलेगी, पकाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने कुछ नट्स लिए हैं जिनको बारीक चॉप कर लिया, इसमें पिस्ताशियो है और काजू है, बादाम है, अखरोट है और थोड़े से सीड्स मैंने ले लिए हैं, तो इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया है। इधर जो हमारा मिक्सर है ये पक रहा है और इसको मीडियम हीट पर हमें लगातार चलाते हुए पका लेना है। थोड़ा सा घी मैंने यहाँ पर ऐड किया है और थोड़ी देर में देखेंगे आप, लाइक लगते हैं 5 से 6 मिनट लगते हैं और उसमें ये शाइनी सा होने लगेगा, इसका जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और ये एक शेप को होल्ड करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा खजूर अच्छे से पक गया है, सारा पानी इसका निकल गया है। इस पॉइंट पर जितने भी नट्स हैं वो सब ऐड कर देंगे और नट्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसके अंदर ऐड करें, आपको जो पसंद हो वो डालें और जितने पसंद हो आप उतने डालें, किसी की क्वांटिटी कम कर दें, किसी की ज़्यादा कर दें। मैंने पिस्ता थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि पिस्ते का फ्लेवर बहुत पसंद है। और टोटल लाइक 1 कप ये खजूर था, इसके अंदर 1.5 कप मैंने टोटल नट्स डाले हैं, टोटल 1.5 कप जाएंगे, तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर लें। और नट्स डालने के बाद आपको इसको लगातार चलाना है जब तक कि ये थोड़ा सा आपको ड्राई ना लगने लगे। इन केस इफ़ यू फीलिंग कि हाँ नट्स इसमें कम है और ये इतना ड्राई नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो रहा है तो थोड़े से खजूर जो है मैश करके आप इसमें और ऐड कर दें, तो चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट हो जाती हैं, बस थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है और इसको मैंने इस तरह से बोल में निकाल लिया, नीचे थोड़ा सा बटर पेपर लगाया है, उसे निकालने में आसानी होगी। और इसको स्मूथ कर दें आप अच्छे से प्रेस करके और इसको फ्रिज में रख दें 10-15 मिनट के लिए, सेट हो जाएगा, या फिर काउंटर पे भी इसको आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दें, बट अगर जल्दी करना हो तो फ्रिज का ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। तो बस अब ये फ्रिज में जाने के लिए तैयार है और फ्रिज में से मैं इसको 15 मिनट के बाद निकाल रही हूँ और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो गया है। चाहे तो किनारे स्क्रेप कर ले, लेकिन क्योंकि बटर पेपर है तो ये इजीली निकल आता है। तो ये देखिए बिना किसी शुगर के कितनी अच्छी हमारी ये खजूर की बर्फ़ी बनती है, वो बर्फ़ी जिसमें मिल्क पाउडर, मावा वो भी ऐड नहीं हुआ है। और जो नट्स का इसके अंदर फ्लेवर है ना, ओ माय गॉड, सो टेस्टी। और पिस्ता तो खैर कहने ही क्या, वो तो हर चीज़ का जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा एनहेंस कर देता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने वही चीज़ें नेचुरल रखी हैं कि नट्स का अपना फ्लेवर आए। आप अपने हिसाब से इसकी शेप काट सकते हैं, चौकोर काट लें, लंबा काट लें, जैसा आपका मन हो उस हिसाब से काट लें। अगेन मैंने उसी हिसाब से पीसेस काटे हैं जो मेरी 1 कप चाय या 1 गिलास दूध के साथ चल जाएं और मैं अच्छे से तृप्त हो जाऊं। तो चलिए अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और इजीली ये फ्रिज में आपके आराम से चलेंगे, 1 महीने तक आराम से चलते हैं। शेल्फ में भी जो है ये आराम से आपके 2-3 हफ्ते चल जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आपको फ्रिज में स्टोर करना पड़े। जो मावा रोल बनाए थे उनको आपको फ्रिज में ही स्टोर करना है। तो ये देखिए हमारी खजूर की बर्फ़ी बनके तैयार है, सुपर मॉइस्ट। तो इस बार आपको शिकायत नहीं रहेगी कि खजूर टाइट रह गए थे, आपको बहुत मॉइस्ट वाली बर्फ़ी यहाँ पर मिलेगी एंड इट इज़ सुपर डुपर टेस्टी। डू ट्राई इट वंस। और इसको आप चाहे तो फ्रिज में स्टोर कर लें, चाहे तो आप इसको काउंटर टॉप पे कर लें, एंटायरली अप टू यू। ये इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। थर्ड रेसिपी है हमारी साबूदाना नारियल लड्डू, जो बहुत टेस्टी है। तो ये है बिल्कुल बारीक वाला साबूदाना, टपियोका सीड्स, सागो भी बोला जाता है इसको। इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए सोख करके रख दिया था और उसके बाद आधे घंटे पहले मैंने इसको इस तरह से छलनी में डाल दिया ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए और बिल्कुल ड्राई सा साबूदाना हमें यहाँ पर मिले। तो देखिए मैं इसको हल्का सा जेंटली प्रेस कर रही हूँ कि अगर थोड़ा बहुत कुछ और पानी बचा हो तो वो भी निकल जाए, बट
स्टेप बिल्कुल नहीं था, तो ये बिल्कुल ड्राई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पैन लिया है और पैन में डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून घी, और घी को चारों तरफ अच्छे से फैला लें। मैं मार्बल का पैन यूज़ कर रही हूँ तो इसमें ज़्यादा स्टिक नहीं होता है, लेकिन अगर आप स्टील की कढ़ाई ले रहे हैं तो उसमें घी चारों तरफ अच्छे से फैला लें, अदरवाइज़ जो साबुदाना है वो फिर चिपकने लगता है। साबुदाना डाल के हीट आपको मीडियम रखनी है और इसको लगातार चलाते हुए आपको पकाना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि साबुदाना ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत का काम है ये, क्योंकि जब तक ये मॉइस्ट रहता है ना तब तक ये चिपकता है, आपस में जम जाता है, तो आपको इसको काट काट के अच्छे से चलाना पड़ता है ताकि एक एक दाना इसका अच्छे से पके, ऐसा ना हो कि बीच में से कुछ कच्चा रह जाए। तो लगातार आप इसको चलाते रहें और 4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सा यहाँ पर ये हो गया है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून पानी में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल लिया था। एंटायरली अप टू यू, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन इससे यह है कि लुक बहुत अच्छा आता है। और उसको डाल के फिर आपको इसको 2-3 मिनट और पकाना है, और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कितना अच्छा मिक्सचर, इतना प्यारा सा इसका रंग आ गया है। और इसके बाद हमें इसके अंदर हनी ऐड कर देना है। हनी मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिया है और साबुदाना मैंने 1 कप लिया था, 1 कप साबुदाना भिगोया था मैंने, और यहाँ पर मैंने 1/4 कप हनी ऐड कर दिया है। हनी ऐड करते ही आपको हीट को बंद कर देना है, उसको बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है। सीड्स ऐड कर दें आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपके पास खरबूजे के बीज हों तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ कुछ ऐसे लगते हैं जैसे आपने मोतीचूर के लड्डू बना दिए हों। इलायची पाउडर डाला है थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने 1/4 कप यहाँ पर नारियल का बुरादा, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, वो ऐड कर दिया है। और ये डाल के आपको इसको मिक्स कर लेना है, और जैसे ही आप मिक्स करेंगे थोड़ा बहुत भी जो मॉइस्चर इसके अंदर होगा वो डेसिकेटेड कोकोनट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका एक स्टिफ सा डो बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एवरीथिंग इज डन, बस अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इसके लड्डू बना लेने हैं। तो मेरी बेटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के उसको ये लगता है कि उसने मोतीचूर के लड्डू खा लिए हैं। टेस्ट डिफरेंट है उनका, लेकिन देखने से ये वही लगते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। नारियल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी जो बहुत ईजिली तैयार हो जाती है और हर किसी को पसंद आती है। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करके और आप इस तरह से लड्डू बना लें, जितनी बड़ी आपको बनानी हो या छोटी बनानी हो उसी हिसाब से, जैसा आपका मन हो उस हिसाब से लें, और बहुत इजीली मोल्ड हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम लगता है इनको। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो लड्डू हैं साबुदाना और नारियल के वो तैयार हो गए हैं। टोटल लड्डू तक बनने में इसमें हार्डली 20 मिनट्स लगे हैं। सो ईजी एंड सो गुड एंड सो सेटिस्फाइंग, आँखों को देख के ही ये इतनी अच्छी लगती है ना कि क्या कहें। बीच में जो नट आते हैं ना, जो ये सीड आते हैं, इनका टेस्ट, नारियल का टेस्ट और जो साबुदाने का अपना एक अजीब सा टेस्ट होता है ना, वो तो बिल्कुल आता ही नहीं है। इट इज़ सो गुड रेसिपी, मस्ट ट्राई मस्ट ट्राई मस्ट ट्राई। और ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना मिठाई का डब्बा तैयार कर दिया है, जैसे कि आप अभी लेकर आए हों स्टोर से, और मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रिज में रखने वाली हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये मैं ही खाऊंगी अगले पूरे 1 महीने तक। सबसे पहले मैं मावा खजूर रोल फिनिश करूंगी, क्योंकि उसमें मिल्क प्रोडक्ट है और मिल्क फिर ज़्यादा दिन तक रखना नहीं चाहिए। तो मैं सब कुछ फ्रिज में स्टोर करूंगी, बट आप जैसे चाहें उस तरीके से स्टोर करें। और यहाँ पर भगवान जी के लिए भोग भी मैंने रख दिया है। कुछ लोग पूछते हैं कि इस भोग का फिर आप क्या करते हैं, तो जो भगवान जी को भोग लगाया जाता है उसके बाद वो एज ए प्रसाद हम लोग खा लेते हैं या किसी को दे देते हैं, तो इसी तरीके से भोग का यूज होता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये सारी मिठाइयां पसंद आई होंगी और आप लोग जरूर ट्राई करेंगे।
जब भी ट्राई करें पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करें या फिर आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड करके मुझे वहाँ पे टैग भी कर सकते हैं। आई वुड बी सो मच हैप्पी। और मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, तभी मुझे आपकी नोटिफिकेशंस मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। कोशिश करें कि आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालती हूँ, शॉर्ट टू द पॉइंट वीडियोज़ मिलेंगी वहाँ पर आपको। एंड आई एम वेरी क्लोज टू 10,000 व्यूअर्स फॉलोअर्स ऑन फेसबुक। और अगर मेरे 10,000 वहाँ पर फॉलोअर हो जाएंगे तो मेरे कुछ पॉइंट्स वहाँ पर इनेबल हो जाएंगे, तो मैं वो करना चाहती हूँ। तो अगर आप मुझे प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा जो ये चैनल है या हमारी जो ये कम्युनिटी है ये अच्छे से ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाए, तो प्लीज़ वहाँ पर फॉलो करें ताकि मैं वहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इनेबल कर पाऊँ। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं दीपिका आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखें एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। एंड जो भी सावन के फास्ट करने वाला है कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरे साथ कौन कौन है इस पूरी यात्रा में। तो चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।